राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने के ज्यादातर दल खिलाफ हैं। समाजवादी पार्टी के नेता नरेश अग्रवाल ने मजबूरी जताते हुए कहा कि पार्टियों को आरटीआई के दायरे में नहीं लाना चाहिए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बहुजन समाज पार्टी भी आरटीआई के दायरे में रहने के लिए तैयार नहीं है। नहीं होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ आरटीआई देश में ही लागू करना है। जिस समय आरटीआई लागू कर रहे थे उस समय हम कह रहे थे कि तमाम सीक्रेट जो देश के ओपन नहीं होने चाहिए वो ओपन हो जाएंगे और देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में हो जाएगा। देश में जिस तरह आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न है तो उसमें आरटीआई की जरूरत नहीं है। तो मैं नहीं समझता राजनीतिक दलों के ऊपर आरटीआई का प्रभाव होना चाहिए। आरटीआई के दायरे से राजनीतिक दलों को बाहर रखने की मुहिम में कांग्रेस सबसे आगे दिख रही है। पार्टी नेता संजय निरुपम ने कहा कि आरटीआई के दायरे पर फिर से बहस की जरूरत है। नहीं, मुझे लगता है ये निर्णय सही है। पॉलिटिकल पार्टियों को आरटीआई एक्ट में नहीं आना चाहिए, इसलिए वरना क्या होगा, रोज नए नए आरटीआई एप्लीकेशन जाएंगे कि किसको कौन से पद पर रखा, क्यों हटाया। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हम चुनाव में कितना खर्च करते हैं, सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टियों के जो इंटरनल कामकाज है उसके ऊपर भी रोज खींचा निर्भर होगी। तो मुझे लगता है ये निर्णय सही है, कम से कम पॉलिटिकल पार्टियों को आरटीआई के एम्बिट से बाहर रखा जाए।